पीएम आज तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, देर शाम चेन्नई पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का कानपुर दौरा, संभ्रांत ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में डिप्टी सीएम होंगे शामिल। सपा विधायक शाहिद मंजूर की अतीक के साथ तस्वीर वायरल, लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में है आरोपी। मुंबई में 1000 करोड़ के स्टूडियो पर चला बुलडोजर। दुनिया भर में फैलेगा कोरोना का XBB.1.16 वेरिएंट, भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे भी यही वेरिएंट। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रयागराज में बमबाजी की घटना सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के झूसी इलाके के आवास विकास कॉलोनी में बीजेपी नेता के बेटे पर बम से जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर 2 बम फेंक दिए। बमबाजी का यह वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बता दें कि बम फटने से कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार के अंदर बैठे महिला नेता के बेटे और उसके दोस्त को कोई चोट नहीं आई। बता दें कि महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल बीजेपी की जिला मंत्री हैं। वह थानापुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान भी हैं। उनका 20 साल का बेटा रात 8 बजे अपनी मौसी के घर गया था। वहीं पर 2 बाइक पर सवार 6 युवकों ने सफारी कार पर बमबाजी की। आरोपियों में पुलिस विभाग में तैनात एक कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। आरोप है कि कौशाम्बी में तैनात कांस्टेबल के बेटे से महिला नेत्री के बेटे का कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। योजना नंबर 3 में मेरा बेटा गया था अपने मौसी के यहाँ, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और तभी बाइक से सवार 2-3 लोग की, उसमें 3-3 बच्चे हैं गाड़ी पे, गए गाड़ी के सामने से और फिर लौट के आए हैं तो बम मार दिए हैं। इन्होंने एक कसर भी नहीं छोड़ा है हमारे बेटे का जान लेने के लिए। क्या रंजिश है ये पुलिस पता लगाए, और ये शिव बचन का लड़का है शिवम यादव। इन्होंने हमारे बच्चे को, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये गंगा कॉलोनी दीप में इनका घर है, गंगा दीप कॉलोनी, हाँ वहाँ पे रहते हैं। शिव बचन यादव है, इनका लड़का शिवम है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नंदलाल हमसे जुड़ चुके हैं। नंदलाल, बीजेपी नेत्री के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला? प्रयागराज जनपद झूंसी इलाके का है, जो आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 का मामला है। वहीं पर बीजेपी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, जो थानापुर गाँव सभा ग्राम प्रधान भी है, महिला प्रधान है। वहीं पर इनका बेटा अपने मौसी के यहाँ झूसी गया था और उनका दोस्त भी था, और जैसे ही वो अपने मौसी के घर पहुंचा था कि कुछ अज्ञात बदमाश नकाबपोश जो 2 बाइक पर 4 लोग थे पहुंचे और सामने से बमबाजी करते हुए गाड़ी तेज लेकर भाग गए। लेकिन फिलहाल ये कि दोनों बीजेपी नेता का बेटा और उसका दोस्त दोनों लोग गाड़ी में सवार थे, उनको कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। लेकिन इस बात को लेकर के बीजेपी नेता और उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है कि दिन दहाड़े शाम ढलते ही जिस प्रकार से उनके बेटे के ऊपर बमबाजी हुई, कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब पार्टी का एक पदाधिकारी का कार्यकर्ता और परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कहां सुरक्षित रहेगा, जो कि बहुत बड़ा सवाल है ये प्रयागराज पुलिस के ऊपर। नंदलाल, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? सीसीटीवी फुटेज के आधार से पुलिस दबी दे रही है, और जो बमबाजी किया उसमें एक कांस्टेबल का बेटा भी है जो झूसी का रहने वाला बताया जा रहा है। बीजेपी नेता और बमबाज जो ये एक लड़का है, पहचान भी नहीं हो पाई है। इन दोनों के बीच कुछ देर पूर्व कहा सुनी हुई थी, लेकिन वही बीजेपी नेत्री कह रहा है कि दोनों का समझौता हो गया था, घर पे आके चाय नाश्ता भी किया था, दोनों आपसी सामंजस्य बना कर रह भी रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर के पुनः ये लोग खुन्नस खाए और उनके बेटे पर हमला किए हैं। वहीं पर बीजेपी नेता ने इस बात की तारीफ झूसी थाने दे दिया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे कार्रवाई करने के लिए कह रही है।
जी धन्यवाद ननल तमाम जानकारियों के लिए। शाहजहांपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य रैली का आयोजन किया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सीएमओ कार्यालय से शुरू होकर अंटा चौराहा होते हुए खिरनी बाग रामलीला मैदान में खत्म हुई। यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। लोगों को बताया गया कि स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। समय से पौष्टिक भोजन, पानी और कम से कम 6 घंटे नींद लेना जरूरी है। आज हम लोग WHO Day विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं आज की तारीख में, और इस बार का हम लोग का थीम था समर्पण दिवस। इस दौरान जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग एक थीम निकालते हैं जिससे देश की या जो अपनी जनता है उसके लिए स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। इस समय हेल्थ फॉर ऑल, सबकी सेहत अच्छी हो, इसी के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था जो कि पुराने जिला अस्पताल CMO ऑफिस से चल के और खिरनी बाग में उसका समापन हुआ था। इस रैली के अंदर IMA के पदाधिकारी और नगर निगम के नगर आयुक्त जी थे, वो थे और बाकी बुलंदशहर में पुलिस ने 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा किया है। रामघाट थाना पुलिस ने 2 हत्यारोपी दोस्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शराब का गिलास गिरने पर हुए विवाद में 2 दोस्तों ने मिलकर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को जला दिया था। पुलिस ने अधजला शव को भी बरामद किया है। मृत लाश मिली थी और अधजली स्थिति में थी वो, तो जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम करण है, करण पुत्र देवेंद्र, जो रामघाट का ही रहने वाला है। जब पुलिस ने अपनी छानबीन और अपनी पूछताछ की प्रक्रिया को जब पूरा किया तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त जो करण था ये अपने मित्र गुलाब और नारायण के साथ 4 तारीख को दोपहर में शराब पीने निकला था। इसी क्रम में उस जंगल में बैठ के इन लोगों द्वारा शराब पी गई थी। किसी बात पे इन लोगों के बीच में जो है विवाद हो जाता है और बुलंदशहर में एक महिला ने PCS परीक्षा में प्रवेश में 3रा स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है। छोटी काशी निवासी 24 वर्षीय नम्रता सिंह ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। बता दें कि छोटी काशी अनूप शहर की रहने वाली नम्रता सिंह अपने पिता की इकलौती बेटी है। नम्रता ने JP विद्या मंदिर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। 2015 CBSE टॉपर रही है। नम्रता द्वारा सूबे में 3रा स्थान पाने पर परिवार में जश्न का माहौल है। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बस यही कहूंगी कि अगर कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए हमें काफी असफलताओं का और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। काफी वक्त हमें अकेला भी रहना पड़ता है, लेकिन हमें इन सब चीजों से हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने ग्रेजुएशन करा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में NIT दिल्ली से। इससे पहले क्या पढ़ाई की है और कहाँ से पढ़ाई की है? इससे पहले मैंने अपने अनूप शहर में ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की थी। किस कॉलेज से? JP विद्या मंदिर अनूप शहर। उस समय इंटर में आपका क्या रिजल्ट रहा? औरैया में विद्युत लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई। आग लगने से 4 किसानों की खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया जनपद के फफुंद थाना क्षेत्र के लहेड़ियापुर गाँव की घटना बताई जा रही है। लट्ठा है वहाँ तार से चिंगारी चुनरी लट्ठा से लाइट से लगी है। कितने बीघा आपका खेत लगभग जल गया? 1.5 बीघा लगभग जल गया है। आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था? हाँ, फोन किया था। तो फायर ब्रिगेड कितने टाइम बाद आई? फायर ब्रिगेड लगभग 15 मिनट बाद आई है अभी बुझने से। तो
आप लोगों ने पहले ही आग पे काबू पा लिया था या फायर ब्रिगेड आने के बाद काबू पाया गया? पहले ही पा लिया था काबू। अच्छा अच्छा। गाजियाबाद के मोदी नगर में बस अड्डा चौकी क्षेत्र स्थित भूपेंद्रपुरी कॉलोनी में एक दुकान पर ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने महिला दुकानदार से चेन छीन ली और घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। महिला ने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया लेकिन बदमाश भागने में कामयाब हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है और महिला को बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। नाम आपका? मंजुलता गुप्ता। क्या करती हैं आप? बस दुकान कर रखी है, ऐसा तो घरेलू में है। क्या घटना घटी आज आपके साथ? जैसा रबड़ पेंसिल कटर मांगने के लिए आया, मैं वो दिखाने लगी, बोला कटर में पेंसिल छिल कर दे दो, इतना मैं नीची हुई तो बस वो छीन कर भाग लिया। क्या छीन कर? चैन छीन कर भाग। किस चीज की चैन थी? सोने की। पहन रखी थी आपने? हाँ पहन रखी। किस चीज पर आए थे? कैसे किस चीज? बदमाश कौन थे? अब बदमाश को क्या पता, ऐसा तो यहाँ तो अकेला लड़का ही आया, और फिर मैं पुलिया पर भाग कर गई तो दिखाई कोई दिया ना, एक औरत थी, बा मुझे पता नहीं है कौन ही, मैंने देखा भी नहीं ढंग से, तो बा बोली आंटी वो तो मोटरसाइकिल पर दूसरा स्टार्ट कर। आज दिनांक 7 अप्रैल 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को सूचना मिली कि थाना मोदी नगर के भूपेंद्रपुरी क्षेत्र में एक महिला जो कि अपने जनरल स्टोर की दुकान पर कार्य कर रही थी, तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आया और उसके सामान लेने के बहाने उसे सामान लेने लगा और उसी दौरान जब वो सामान निकाल रही थी तो वो झपट्टा मारकर उसने उनकी चेन छीन ली। इस घटना का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और इसको वर्कआउट करने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें से 3 टीमें सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर कार्य कर रही है और 1 टीम मैनुअल एंगल से कार्य कर रही है। जल्दी इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में शहीद नगर ज्ञान भारती स्कूल के पास जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आगरा में 1 हफ्ते के अंदर में दूसरी फैक्ट्री में आग लगी है। बड़ा सवाल यह है कि घनी आबादी में आखिर किसकी अनुमति से जूते की फैक्ट्रियां चल रही हैं। थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत शहीद नगर चौकी ज्ञान भारती स्कूल के सामने का मामला है। किस तरह की घटना है? ये जूते की एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी थी, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी मौके पे 3 गाड़ियां और बाद में 3 गाड़ियां और बुला ली गई थी। टोटल 8 गाड़ियां हमारे मौके पे मौजूद थी। अभी स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारी 2 गाड़ियां यहाँ पे हैं जो अभी कुछ देर तक रुकेंगी, स्थिति का जायजा लेके बाकी बात कार्रवाई बाद में की। जी नहीं, NOC हमारे द्वारा कोई जारी नहीं। ये फैक्ट्री अनाथराज रूप से चल रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग जैसे ED है वो कार्रवाई के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।